हेलो एवरीवन, नमस्ते, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस, आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। सो सबसे पहले जिसने व्लॉग हमारा नहीं देखा है वो व्लॉग जाके देखें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको पता है कि हमारे 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, तो वो व्लॉग आप सभी के लिए है। सो आप लोग जाके वो देखो, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, एंड वहाँ पर जाके कमेंट भी करना कि हमने ये व्लॉग देखा है। मौलाना तारिक जमील जी के बयान, पहले हमारे साथ आप सभी देखते थे, आप सभी को मजा आता था, लेकिन आजकल कोई देखता ही नहीं है, पता नहीं बिजी हो गया सब या आपका मन नहीं करता, मुझे ना एक मेरे कमेंट पढ़ा भी था तो वहाँ पे लिखा भी था कि अभी आपकी वीडियो हम कम देखते क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बिजी है। और पहले जितना प्यार दे हमारे साथ देखे वीडियो, मजा आता है जब प्रीमियर पे कम से कम 200-300 लाइक करते हैं, मजा आता है यार। और बाकी ये की करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। सो करें प्ले जी। मैं ये वाक्या हज़ारों दफ़ा सुना चुका हूँ, हर दफ़ा ही ऐसे रोने बैठ जाता हूँ कि फिर मैं वहाँ नहीं खड़ा होता, फिर मैं वहाँ अबवा पहुँच जाता हूँ। मैं देखता हूँ 6 साल की उम्र में मेरे नबी को अल्लाह ने यहाँ इतना बड़ा इम्तिहान दिया कि जंगल में माँ को मौत दे दी। 25 साल की उम्र में माँ मर गई, अचानक मर गई, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, जिसको आज हम हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट फेलियर कहते हैं। इतना आखिरी जुमला कहा, कुल्लु हय्यन मय्यित व कुल्लु जदीदिन बाल व कद वलदत तुहरा, बोला नहीं जा रहा था तो बुझते बुझते भड़कती शमा ने कहा, बेटा हर जिंदा ने मरना है, हर जवानी ने ढलना है, लगता है तेरी माँ का आखिर आ चुका है, लेकिन मैंने एक बच्चा जाना है जो सारे आलम को पाक कर देगा। और शमा खामोश होगी, किस तरह उन्हें दफन किया मैं वहां खड़ा यही सोचता रहा कि यहां कब्र बनाई कैसे होगी, तो पत्थर हैं, कोई लोग गुजरे होंगे या पत्थर जोड़ के। जब उम्मे ऐमन नौकरानी साथ हैं, वो उनको लेकर नीचे उतरी, ऊंटनी के करीब पहुंची तो आपने हाथ छुड़ाया और फिर भागे, पहाड़ी पे चढ़ गए। उम्मे ऐमन पीछे गई तो वो मंजर था कि शायद उस वक्त अर्श भी रो रहा होगा। अल्लाह के नबी ने माँ की कब्र को चिमटाया होता सीने के साथ, कब्र पैसे गिरे पड़े थे। और जब वो मेहमान करीब आई तो वो नौहा कह रहे थे कि पत्थर भी पिघल रहे थे कि माँ जी आपको तो पता था, आपके सिवा मेरा कोई ना था, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए, आप मुझे छोड़ के कहाँ चले। मेहमान ने उठाना चाहा, इनकार कर देगा, मैं नहीं जाता, मैंने माँ को छोड़ के जाता, खींच के ले गई। खिसटता हुआ बच्चा पहाड़ से उतारा, 2 दिन रोते रोते मक्के का सफर है, फिर खाना भी बंद हो गया, पीना भी बंद हो गया, सिवाय जमजम के चंद घूंट पानी के, सारा दिन न खाते थे न पीते थे, अकेले बैठे रहते, न माँ न बा न भाई न बहन, अल्लाह। 57 साल के बाद माँ की कब्र पर पहुंचे और कब्र के सरहाने आकर बैठे, गोडे ऊपर उठाए और हाथ यहां रखे और सर गोडों में दिए, जैसे छोटे बच्चे रोने की पोजीशन बनाते हैं। ये छोटी जगह मैं दिखा नहीं सकता, ए और फिर जो रोना शुरू किया, इतना रोए कि सारी दाढ़ी सारा सीना आंसुओं से भर गया, जैसे कोई मासूम बच्चा, जैसे 6 साल का मोहम्मद रो रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना रोए कि वजूद हिल गया और फिर फरमाया कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं रात यहीं रहूंगा। तुम क्या जानो रिश्ते क्या होते हैं, तुम्हें सिर्फ पौंड गिनने आते हैं, तुमसे मुराद मैं भी और सारे भी। नाराज ना हो जाओ, सारी उम्मत का यही हाल,
रात वहां गुजारी। हाय क्या कह रहे हैं, काश मेरी माँ कभी होती, मैं ऐसी खिदमत करता कि ब्रेडफोर्ड वाले भी याद करते, मैं ऐसी खिदमत करता कि मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पर खड़ा होता और सूरत फातिहा पढ़ रहा होता और फिर इधर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता लब्बई कम्मा जी, माँ जी हाजिर हूँ, माँ जी हाजिर हूँ। मछली खाना छोटा गुनाह है, शराब बेचना बड़ा गुनाह है, सूद खाना बड़ा गुनाह है, ड्रग बेचना बड़ा गुनाह है, चोरी डाके जुल्म सितम क्या उम्मत नहीं कर रही, बेगुनाह कत्ल झूठे इल्जाम तोहमतें क्या हशर कर दिया जुनैद जमशेद का, ये इस्लाम है। इतने नेक इंसान 17 साल से अल्लाह का नाम लेने वाला, उस पर गुस्साख की तोहमतें, ये उम्मत क्या मुंह दिखाएगी अल्लाह उसके रसूल को कि जिसने मुनाफिकों को सीने से लगाया, अब्दुल्ला बिन उबई जैसों के जनाजे पढ़ दे, कहां चले कहां डूब के, इतना जवाल, इतनी अंधेरी रात है कि उम्मीद ही खत्म हो गई कि पता नहीं दिन भी चढ़ेगा कि दीन के नाम लेने वाले जब दीन को ज़बा करने पे आ जाएं, मिंबर पे बैठने वाले जब नफरतों की आग भड़काने लगे, किससे गलती नहीं होती, एक पाक अंबिया की जात है जिनकी ज़बान पे अल्लाह बोल दबा की तारिक जमीला, रोजाना मुझे 40 साल हो गए बयान करते हुए, मैं खता नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा, मुझसे पूछो तो सही, मैं गलती से कह गए जान बूझ के कह गए, हो सकता मैंने गलती से कह दिया, अल्लाह ने तौबा रखी है कुफर की तौबा, मेरे मैं दर्द से बोल रहा हूं, जवाल है जवाल, खौफनाक जवाल है, जब मिंबर पे बैठने वाले दीन से इतने दूर चले गए, तुलैहा ने नबूवत का दावा किया और लड़ाई की सहाबा से, उकाशा बिन मोहसिन जैसे बदरी सहाबी को शहीद किया, इतने बड़े मकाम के सहाबी को शहीद किया, और हज़रत उमर के जमाने में तौबा करने आया, आपने गले लगा लिया तौबा तो सब कुफर के नबूवत के दावे, मेरा अल्लाह कहता मैं तो हर बयान में कह रहा हूं कि धरती गुनाहों से भर के एक दफा कहो या अल्लाह मेरी तौबा, तो अल्लाह कहता जाओ सब माफ किया, ये मैं जवाल बताओ आज उम्मत कितनी पस्ती में चली गई है, किस कदर फिरकावारियत ने एक अजतहा की शक्ल इख्तियार कर ली है, एक दूसरे को सलाम करने से के काफिर 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 कुत्ते खंजीर, मेरा नबी ऐसे बोलता था, मैं इंसान हूं बोल रहा हूं, बोलते बोलते कोई गलत जुमला बोल सकता, गुस्साखी का जानबूझ के करने वाला यकीनन दारा इस्लाम से खार, अमल छोड़ने से आदमी काफिर नहीं होता, गुस्ताखी करने से, नमाज छोड़ने से काफिर नहीं होता, गुनाहगार है, नमाज का कि गुस्ताखी करने से वो दारा इस्लाम से निकलता है, लेकिन उसके लिए भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन ये कितना तासुब है, नफरत है कि एक आदमी की 17 साल की पाक जिंदगी को एक गलती पर कुफर बना दिया, एक गिरावट है, जवाल है, हमें बंदर खंजीर बनाने के लिए फिरकावारियत ही काफी थी, उस कमली वाले को दुआएं दो जिसने हसन हुसैन को ज़बह बना दिया, तुम्हारे लिए हाथ उठो, मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, पूछ के हो, और वहां से जवाब आता है साथ दूंगा। अपने हर बयान में ये ऐसी चीज जरूर बोलते हैं और सही चीज बोलते हैं कि एक बार मतलब तौबा कर लो, मतलब माफी मांग लो अल्लाह से तो आपके सारे गुनाह माफ किए जाएंगे, लेकिन माफी आई थिंक दिल से होनी चाहिए ना, तभी उस चीज का मतलब है, तभी वो माफ करते हैं, ऐसे अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए ऐसे माफी मांगते हो उसका तो मतलब ही कुछ भी नहीं है। सो प्रॉफिट मोहम्मद की जो सीरीज है हम उस पर रिएक्शन कर रहे हैं और हमने सब सुना हुआ है, जा रहा है ना जो भी चीजें हैं, हमने ये सुना कि कितना बुरा अंजाम हुआ था उनके साथ, बेचारों के साथ, है ना, जो हजरत अमीना का जो
इंतकाल इंतकाल हो हुआ सकते था हैं ना, ना, वो हुआ सो था हुआ था वो 6 साल की उम्र छोटी में, सी। 6-7 साल की हाँ उम्र में थी है ना। पर ये नहीं बताया ये वाला किस्सा कि वो बैठ कैसे रो रहे थे उस हाँ वीडियो में ना वो हाँ और सीरीज में, क्योंकि बात मैं डीपली नहीं सही बता बात रही है। ना सो ये था, तो बाकी आप सभी बताना और वीडियो सजेस्ट करते रहना सो दैट हम रिएक्शन करते रहें। और आप सभी यार प्लीज प्यार दिखाओ सभी हमारे साथ, चलो जी एक अच्छी फैमिली हमें बनानी है, 1 मिलियन पे पहुंचना। मतलब बहुत बड़ा वर्ड है 1 मिलियन, मेरे को बहुत तो बड़ा। 100 के बहुत मुश्किल से हुआ मेरे। अब मैं और ये डिस्कस कर रहे थे कि 200 के होंगे हमारे हाँ कभी, हाँ मेरे को अभी लग रहा ना डिस्कस यही कर रहे कि बहुत लगता नहीं मुश्किल है आ रहा जिस है जिस जिस 200 हिसाब के, से चल क्योंकि रहे जिस हैं। हिसाब से सब्सक्राइबर्स आते हैं दिल्ली के, तो 250-300 सब्सक्राइबर होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। 200-250 से 1 लाख होना बहुत ही बहुत बहुत टाइम लग जाए, मेरे ख्याल से 5-6 साल का ऐसा सफ़र लग रहा है, पर मुश्किल ही लग रही है वो चीज़ें। तो बस ये है कि प्यार बना के रखें और बस अपनी फैमिली के साथ वीडियो जरूर देखा करें हमारी। सो बाकी फिलहाल इस वीडियो में, तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।